हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नबीला ब्यूटी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट अगेन, जैसा कि मैं हमेशा हमेशा आपसे कहती हूँ। और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ में मज़े में होंगे और ज़िंदगी को खुशगवार तरीके से गुजार रहे होंगे, क्योंकि यही एक वाहिद तरीका है कि अगर आप खुश रहते हैं तो आप दूसरों को खुश रख पाते हैं। तो हमेशा मुस्कराएं और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। एंड व्हाट अ ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम माय लास्ट व्लॉग, और उससे बहुत 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 मुझे मज़ा आया है। एंड थैंक यू सो मच आपकी इसी तरह से व्यूज़ और आप लोग की जो सब्सक्रिप्शन है मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहिए, और यही चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा यू नो हमारे लिए मैटर करती हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच अगेन, और सब्सक्राइब जो लोगों ने नहीं किया वो कर लें, शेयर कर लें, कॉमेंट करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। सो किसी भी इवेंट को अटेंड करने से पहले हाउ टू गेट रेडी फॉर द इवेंट, वन डे बिफोर की प्रिपरेशन है ये, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं अपने टाइटल में भी। सो आज की जो वीडियो है वो इस बारे में होगी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो फ्रेंड्स, द वेरी फर्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू डू इज कि आप जब अपनी जॉब से आते हैं या किसी भी जगह से आते हैं या अगर आप घर में ही रहते हैं तो आपकी स्किन को क्लिनजिंग की बहुत ज़रूरत होती है। दिस इज द स्टेप नंबर वन। और क्लिनजिंग आप किसी भी, मतलब आप मॉइस्चराइजर के साथ भी कर सकते हैं, आप किसी भी कोल्ड क्रीम से भी कर सकते हैं, आप किसी भी अच्छी क्रीम से भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास क्लिनजर है तो दिस इज़ ऑल्सो बेस्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई महंगा हाई फाई वो ही खरीदना है कि क्लिनजर नहीं है तो अब हमने क्लिनजिंग नहीं करनी। प्लीज़ डोंट स्किप दिस स्टेप, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो हमारा होगा कि हम फेस वॉश करेंगे, एंड अपने डर्मा के फेस वॉश के साथ भी सेटअप कर सकते हैं। दो तरह के मेरे पास फेस वॉश हैं, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस डर्मा कॉस, और उसको मैं यूज़ करूँगी आज। दिस इज अगेन सुपर, और इसको मैं थोड़ा सा अपने हाथ में लूँगी। और फेस वॉश करने का एक बेस्ट तरीका ये ही होता है कि आप उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेंगे, और सो हल्का सा पानी लिया और उसको आपने यूं सिंपल अपने फेस को वॉश कर लीजिए। क्लिनजिंग जो है वो हमारा वैसे भी स्टेप नंबर टू है, ठीक है। तो आपने अच्छे से अपनी स्किन को यू नो इस तरह से क्लीन कर लेना है। स्पेशली वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग बस जाते हैं, मेकअप करते हैं और चले जाते हैं और कहते हैं हमारा मेकअप अच्छा नहीं है या हम फ्रेश नहीं दिख रही है, जो भी है, प्लीज़ अपनी स्किन को प्रेप किया करें। और प्रेप इज़ समथिंग एल्स मे बी, क्योंकि आपने वो मेकअप से पहले प्रेप करनी होती है, बट एक दिन पहले आपने अपनी स्किन को इस काबिल बनाना होता है कि आप जब मेकअप करें तो वो ग्लोइंग और खूबसूरत और स्मूथ इफेक्ट दे। तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि वेल, मेरा गला काफ़ी अपसेट हो रहा है बिकॉज हमारी रिहर्सल्स जो चल रही हैं उसमें यू नो काफ़ी वो करना पड़ रहा है, बोलने वाला काम बहुत है, और विद इन डेज इट विल बी फाइन। ओके, तो मैंने इसको थोड़ा सा, बस बहुत ज़्यादा नहीं, 2 to 3 minutes, और स्पॉन्ज आप कोशिश करें कि प्लीज़ अपनी न्यू यूज़ करें, क्योंकि किसी का स्पॉन्ज नहीं यूज़ करें, ठीक है। आई एम गोइंग टू डू यूज़ 2 different कलर के हैं, बट 2 यूज़ करूँगी मैं, और मेरे लिए फिर वो ईजी हो जाता था। तो ये आपने सिंपल अपने स्किन को यू वॉश कर लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी मतलब टस्ट हुई है, लेकिन आपको लगे कि फेस वॉश करने के बाद आपकी स्किन साफ हो चुकी है तो ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। और मैं आपको, मुझे किसी ने कहा था कि आप अपनी प्रोडक्ट्स क्लियरली दिखाया करें, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये डर्मा कॉस का फेस वॉश मैंने अभी यूज़ किया है, अदरवाइज आई हैव डर्मा शाइन वालों का भी मेरे पास है, पर दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, दोनों का बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप क्लिनजिंग मिल्क आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, नहीं है मॉइस्चराइजर उठा लो, नहीं है कोई भी क्रीम उठा लो, विटामिन ए की क्रीम है, सी की क्रीम है, जिसकी भी आप लगाओ, अच्छे तरीके से रख करो और निकाल दो, उसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है प्रॉब्लम वाली बात कि आपने ज़रूर एक अच्छे ब्रांड का ही क्लिनजर यूज़ करना है। सो डर्मा शाइन का ही मेरे पास क्लिनजर भी मौजूद है, वैसे इसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है, आपकी डीप क्लिनजिंग होती है, ठीक है। तो मैं आप सबको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों ने ये ऑर्डर करनी है तो यू मस्ट ऑर्डर दिस। ओके, तो
ये जो आपकी जगह होती है ये सबसे ज़्यादा डर्ट लेती है और ये जगह, तो अपनी स्किन को अच्छे से आपने क्लीन करना है। ओके, ओके, स्टेप नंबर टू हो गया। स्टेप नंबर थ्री इज कि आपकी पलकों पे जो मेरे जैसे लोग जो रोज़ाना मस्कारा अप्लाई करते हैं उनको अपने मस्कारा को मस्ट 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 रिमूव करना चाहिए, क्योंकि यही होता है कि जब हम रिमूव नहीं करते तो उसमें वो कॉटन पैड्स भी यूज करूँगी मैं लूँगी, ठीक है। सिंपल कॉटन पैड्स है, ये राउंड शेप में आते हैं और इसमें बहुत सारी वैसे कॉटन पैड्स हैं, ठीक है। ये कॉटन पैड्स मैं यूज़ कर रही हूँ और सिंपल गार्नियर का मिसेल वाटर, इसको मैंने इस पर लिया, ठीक है, और दोनों को मैंने फेट कर लिया, ठीक है। और आपने सिंपल इसको यू आप चेक करें कि ये वो डर्ट था जो शायद मेरे क्लींजर से भी आयरन हो जाता ना जाता। ये वो मस्कारा है जो मेरी आंखों से मेरी लैशेस से उतरा है, तो अच्छे तरीके से मस्कारे को आप करें। एक तरफ से हो गया, आप उसको रीचेक करने के लिए आप दूसरी साइड यूज करें, चेक करें आप। स्टिल अभी मेरी लैशेस भी सिंपल वैसे एक कॉटन ले रही हूँ, उससे मैं अपने आईज़ को थोड़ा सा ट्राई करना चाह रही हूँ और उससे आपका रीचेक भी हो जाएगा। देखिए अभी बेटर है, ठीक है, तो आपकी आँखें यूँ साफ हो गई, आपकी जो लैशेस हैं वो बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं, ठीक है। और उसके बाद क्लिनिंग भी हो चुकी है, अब मैं करूँगी स्क्रब, ठीक है, स्टेप नंबर फोर। तो उसमें आपने, मैं डर्मा का ही स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। वेल, जो आपका स्किन पॉलिश होता है उसमें बाय द वे समटाइम्स स्क्रब आप इट्स अप टू यू, क्योंकि मेरी इन दिनों में काफ़ी दिनों से मैंने क्लींजिंग डीप क्लींजिंग नहीं की थी, तो आई रियली वॉन्ट टू स्क्रब माई फेस। उससे क्या होता है, जो आपकी डेड स्किन होती है ना वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है, ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये रहा, अपनी चीक्स पे, चिन, अपर लिप्स, नोज, फॉरहेड और अच्छे से, और डोंट फॉरगेट योर नेक, फाइव मिनट में इसको दूंगी एंड आई विल बी कम बैक। ओके गाइस, नेक्स्ट जो मेरा स्टेप है उसमें मैंने एक मिक्सचर बनाना है और उस मिक्सचर को मैं बनाऊंगी फॉर यू नो स्किन के लिए, जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, स्किन को पॉलिश करेंगे, राइट। सो देर आर लॉट ऑफ मेथड, वेल जो मैं अपना शेयर कर रही हूँ, फेशियल प्रॉन ब्लॉट यूज़ कर रही हूँ मैं डर्मा कॉस का, ठीक है, और मेरे पास ये स्कूप्स हैं, छोटे छोटे मेयरिंग स्पून्स हैं जिससे आप इजीली मेयर कर सकते हैं कि आपको कितना चाहिए। तो 2.5 इस रिटर्न में आपको दिखाती हूँ कि सबसे जो स्मॉल है वो 2.5 इसमें इसी कलर में रिटर्न है, देन 5 एंड देन 15, ठीक है। तो 15 तो अगर आपने बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ करना है तो देन, बट आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वन, ठीक है। और सिंपल मैं ये ब्लॉन्ड कौन सा यूज़ कर रही हूँ, फेशियल ब्लॉन्ड एक्टिवेट, दिस इज एक्टिवेटर, और इसको मैं लूँगी आपके सामने बस इतना सा, ठीक है, इतना सा मैंने लिया, इसको इसमें मैंने ऐड
कर लेना है। उसके बाद इसमें ब्लाउन पाउडर जाएगा, फेशियल ब्लाउन ब्राइटनर, ठीक है, और ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है, ब्लीच नहीं करता, ठीक है। और ये मेरी ये वाली अभी सील्ड है, मैं दूसरे में से लेती हूँ जो मेरा पुराना वाला है। यस, तो ये मैं बिल्कुल जो आपका 2.5 वाला स्कूप है उससे मैं लूँगी और इसको मैंने भर के वैसे डालना है, ठीक है ये। और अगर आपके आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा फ्रेशनेस चाहिए तो आप ज़रा सा और फिर एड इन कर सकते हैं, दिस इज टोटली अप टू यू। पर जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आप लोगों को नहीं सूट करती नहीं यूज़ करें, कुछ लड़कियाँ होती हैं कहती हैं ब्लीच बनाने का तरीका भी बता देंगे, ब्लीच घर में आप कैसे कर सकती हैं, हमारे स्किन पे दाने निकल आते हैं, तो वो भी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। एक्चुअल में ब्लीच आप कौन से यूज़ कर सकते हैं और उससे आपकी स्किन ख़राब भी नहीं होगी और लाइट भी होगी और आपकी स्किन स्मूथ रहेगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं अभी मैंने मिक्स कर ली है, ठीक है, और सिंपल मैंने इसको मिक्स करना है। अपने फेस पे मैं अप्लाई करूँगी। अच्छा, ये तो वो है सिंपल, आप इसको यूज़ कर लें, ठीक है। दो चीज़ें मैं और इसमें ऐड करने जा रही हूँ और ये टोटली मेरी चॉइस है, ठीक है, ये किसी और की चॉइस नहीं है। इस ऑक्सीजन ग्लॉस, स्किन ग्लॉस पॉलिशिंग है ये, ठीक है। इसको आप सेपरेट यूज़ करते होते हैं, फेस में भी डाल रही हूँ और सेपरेट भी यूज़ करूँगी, तो ये मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऐड इन कर रही हूँ, थोड़ा सा, ताकि इससे ज़रा एक अच्छी सी टोन आ जाए। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है उन्होंने इसको अप्लाई करने से पहले या ब्लीच को अप्लाई करने से पहले सूथिंग टोनर को अप्लाई शुरू करना है। मेरी स्किन बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, ठीक है, तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ इसको। सिंपली ये मिक्सचर एक अच्छा सा टेक्स्चर आपका आ चुका है, ठीक है, और इसको मैं अपने फेस पे जस्ट अप्लाई करने जा रही हूँ। अप्लाई करने का एक सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि यू विल स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम दिस साइड। ये वो बाल होते हैं जिनको ज़्यादा यू नो एरियाज होते हैं जहाँ को ब्राइटन करने की ज़रूरत होती है, तो मैं हमेशा अपने इस एरिया को करना शुरू करती हूँ। ये चीज़ फ्रेंड्स, मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है और मैं 15 मिनट्स तक इसको अपने फेस पे लगा रहने दूंगी और तब तक मैं खूब बोर होंगी, क्योंकि ये वो टाइम होता है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा उलझन होती है कि ओह माय गॉड 15 मिनट्स आई हैव टू वेट। मीनवाइल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों की आंखों में इस दौरान पानी आता है ब्लीच अप्लाई करते हुए या कोई भी ब्लॉन्डर वगैरह अप्लाई करते हुए, कुछ लोगों को बाल ड्राई करते हुए भी आंखों में पानी आता है, उसके लिए बेस्ट ये है कि यही कॉटन पैड्स आप लें और उसको रोज़ वाटर में डिप करें और अपनी आंखों पर रख के बस रेस्ट करें। यू कैन ऑल्सो लिसन सम म्यूज़िक, तो उसमें 15 मिनट्स आपके वो बहुत हो जाते हैं, तो आप ये बहुत आसानी से कर सकती हैं और इससे आपकी जो आइज़ हैं उनमें पानी भी नहीं आएगा एंड यू विल फील बेटर। ओके गाइस, उसके बाद मैंने अपना फेस अच्छे से साफ कर लिया है, क्लीन कर लिया है, वाटर से आप वॉश भी कर सकती हैं। यू कैन सी कि फेस पॉलिश का स्टेप जो करना था वो हो चुका है। अब मैं सेम चीज़ ये लूँगी और क्या लूँगी दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। डर्माकॉस का ऑक्सीजन स्किन ग्लॉस, इट्स अ पॉलिशर, ठीक है, आप ये ब्लू कलर का होता है और थोड़ा सा जेल फॉर्म में होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा सा जेल फॉर्म में होता है, ठीक है,
आपने इसको लेना है और लेके अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है यूं। बस आपने इसको अप्लाई किया और 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको यूं ही रखना एंड आई विल जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स। यू विल सी कि ये आपके लिए क्या क्या काम करता है। मैं आपको बताती हूँ, इसके ऊपर मेंशन भी है, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, ठीक है, और इसके यूनिक फीचर्स एंड बेनिफिट्स क्या हैं। रिमूव्स टॉक्सिन, रिड्यूस ड्राइनेस, जिन लोगों को ड्राइनेस हो जाती है वो स्किन में से अच्छे तरीके से ड्राइनेस वगैरह ख़त्म कर देती है और स्किन को बहुत ग्लोई कर देती है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद हैं। इन्हेंसेस मॉइस्चराइज एब्जॉर्प्शन, इम्प्रूव स्किन टेक्सचर, मिनिमाइज लार्ज पोर्स एंड इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। और सिंपल यही करना है, आपने इसको अपने स्किन पे लगाया और सर्कुलर मोशन में यूं आपने हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में आपने इसको लगाना। जो भी चीज़ आपको प्रोडक्ट में दिखा रही होती है उसको स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फिर उसको ज़रूर आप देखा करें कि जो आपकी स्किन, मुझे लगता है स्किन केयर आपके पास सारी होनी चाहिए। जब तक स्किन अच्छी नहीं होती तब तक मेकअप अच्छा नहीं होता, राइट। 10 मिनट्स के लिए वेट करेंगे एंड देन आई विल वॉश इट। सो फ्रेंड्स, आफ्टर 5 मिनट ये ऑलमोस्ट ड्राई होना शुरू हो गया है, हमारी स्किन में एब्जॉर्ब सा हो रहा है और मैंने इसको स्किन से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक बहुत ही जादुई सी चीज़, पॉलिशर नंबर 2, ठीक है। और दिस इज जस्ट बिकॉज के देखिए, यू कैन सी दैट अब पॉलिशर नंबर 2 बनने जा रहे हैं। बी वेरी केयरफुल कि हमें इसमें क्या क्या करना है। एंड सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लीच और ये मैं सॉफ्ट टच की यूज़ कर रही हूँ, जिन लोगों की स्किन सुपर सेंसिटिव है दे कैन यूज इजीली आंखें बंद करके, ठीक है। ये थोड़ी सी मैं लूँगी 5 ml, तेज होता है, ठीक है। उसको आपने बहुत थोड़ा यूज करना है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत थोड़ा, इससे भी थोड़ा, ठीक है। ओके, अब आपने ये डाल लिया। अब मैं थोड़ी सी ग्लिसरीन ले रही हूँ और ये आप किसी भी कंपनी की ले सकती हैं। ग्लिसरीन इस पे तो लिखा हुआ है खालिस है, एरवियस 5 ml लूंगी और इसमें मैं ऐड कर दूंगी। जो ग्लिसरीन की प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी स्किन में शाइन लाती है, आपकी स्किन को साफ करती है, आपकी स्किन में ग्लो लाती है। ग्लो और शाइन बाय द वे दे आर सेम, बट आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा टेक्सचर देती है और हाइड्रेट रखती है। अब ये वाला जेल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, स्टेप नंबर, यानी ये आप सेकेंड मेथड है बनाने का, जो तरीका है वो मेथड भी है, सिंगल आप यूज़ कर सकते हैं और एक ही मेथड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसमें ब्राइटनिंग पाउडर ऐड करूँगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने क्यों बालों का भी ऐड किया है। फिर इसके बाद इसके अंदर ब्लॉन्ड एक्टिवेटर जो मैंने पहले ऐड किया था, इसी तरह से इसमें भी ऐड करेंगे। ठीक है, इसको आपने ऐड कर दिया और इसके अलावा इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसमें लास्ट एक चीज़ जाएगी वो मैं आपको बताती हूँ, इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका कुछ ब्लू सा ये वो बन गया है टेक्सचर। और इसके अलावा आप इसमें विटामिन सी के कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे, ये डॉक्टर रशील का मैंने आपको बताया था, जो वो आपने थोड़े से ना इसमें ड्रॉप्स ऐड कर देने, ठीक है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ
अच्छे से मिक्स कर लिया और ये मेरा जो मज़ेदार सा मिक्सचर बना है मज़ेदार सा, उसको मैंने ये बना लिया और उसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करने जा रही हूँ। सो गाइस, इसको हमने 15 मिनट के लिए अपने फेस पे रखना है और इट्स सुपर। आप फर्स्ट मेथड भी अपना सकते हैं, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो ये वाला अपना सकते हैं, अब तो ये दूसरे लोग जिनकी वो फेस है तो वो भी कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप इसको रिवाइंड करके भी इस को देख सकते हैं इस वीडियो को कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है। इसमें डेवलपर है, ब्लीच का क्यों नहीं पाउडर मैंने ऐड किया था, लेकिन इसके साथ की जो आती है वो भी आप ऐड कर सकती हैं। ब्लीच के इसमें मैंने ब्लॉन्ड एक्टिवेटर ऐड किया है और इसमें मैंने ऑक्सीजन ब्लॉक्स ऐड किया है, इसमें मैंने फेशियल ब्लॉन्ड ब्लॉन्डर ब्राइटनर ऐड किया है, ठीक है। इसमें मैंने सिंपल ग्लिसरीन कहीं से भी किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से आप ले लें 5 ml वो ऐड की है, और इसके अलावा मैंने विटामिन सी और ई के कैप्सूल्स बीच में ऐड किए हैं और ड्रॉप्स कुछ इसी के ऐड किए हैं, ठीक है। आपने इन सब चीज़ों का अच्छा से मिक्सचर बनाना है और इसको बना के अपने 15 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद अपनी स्किन का एक ज़बरदस्त रिजल्ट दिखेगा कि आपको कैसा लगता है। तो ये वाले जो एरिया हैं क्योंकि ज़्यादा लगाए, क्योंकि वो एरियाज होते हैं जब आपके बहुत ज़्यादा यू नो डल 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 से हो रहे होते हैं। सो 15 मिनट्स के बाद आई विल बी बैक। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो आ चुका है और आई एम रेडी फॉर टुमारोज मेगा इवेंट जो मेरे वर्क प्लेस पे होने जा रहा है। और आप इसके बाद मास्क अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि स्किन आपकी काफ़ी वो यू नो ब्लीच एंड ऑल दैट करने के बाद इतनी चीज़ों के बाद कोई भी होती है तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं अभी मास्क नहीं अप्लाई कर रही हूँ, मैं क्या करने लगी हूँ सिर्फ डॉक्टर अश्लील के जो मेरे पास विटामिन सी का सीरीज है उसमें से क्रीम को अप्लाई करूँगी मैं, क्योंकि एक फेस वॉश है और मुझे उसकी डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है, तो मैं बस थोड़ा सा ये अप्लाई करूँगी, ठीक है। और अगर आपके पास ये सीरीज नहीं है तो इट्स टोटली ओके, आप विटामिन ई के कैप्सूल्स लगा सकते हैं, आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, एवलाइन का जो 3G प्रेस्टीज मैंने आपको बताया था एक दफ़ा आप वो लगा सकते हैं, और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना प्लीज मत भूलिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ 2 drops ऑलमोस्ट आई सीरम के, ठीक है, वो आपकी आईज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसको सर्कुलर मोशन में बस आपने यू अप्लाई करना है और दिस इज डन। अब मैं लास्ट बट नॉट लीस्ट ये विटामिन सी की क्रीम लूँगी और उसको थोड़ा सा अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी, स्किन को हाइड्रेट रखेगी, मेरी स्किन को खूबसूरत ग्लोई इफेक्ट देगी। जब आप स्किन को डीपली क्लीन करते हैं तब तो स्किन भी बेचारी खुशली हो जाती है कि चलो शुक्र अल्लाह का। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल की जो मेरा मेकअप ट्यूटोरियल है, कल का जो मेरी लुक है उसको मैं यू नो शूट कर पाऊँ, बट क्योंकि मुझे अर्ली द मॉर्निंग पहुँचना है तो मे बी नॉट, बट सम अदर डे मे बी। तो ये डिपेंड करता है कि सुबह मैं बेड से निकलती हूँ या नहीं निकलती, जो कि मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। मेरा रात को सोने का दिल नहीं करता और सुबह मेरा उठने का दिल नहीं करता, यू नो ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। एनीवेज, सो आई एम डन और आप सब देख सकते हैं मेरी स्किन क्लीन हो चुकी है, कल के लिए रेडी हो चुकी है। और जब आपकी स्किन बहुत अच्छी सी मॉइस्चराइज हो जाती है और बहुत अच्छी सी क्लीन हो जाती है और स्किन पॉलिश हो जाती है तो वो नेक्स्ट डे आपके मेकअप फ्लॉलेस मेकअप के लिए रेडी रहती है। सो गाइज, कल मैं ज़रूर 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 इंशाल्लाह आपके लिए कोशिश करूँगी कि ट्यूटोरियल करूँ, अदरवाइज आई बी शेयरिंग माई पिक्चर्स ऑन इंस्टा। सो माई इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना ना भूल लीजिएगा, नबीला ब्यूटी के नाम से ही है। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।